मैं सोच रहा हूँ इसको हम खोल देंगे, क्योंकि कम से कम 10-20 मिनट हो गए, अब कोई टेंशन नहीं। अब इसकी शॉप पे एजे मोटर्स बिजबिहारा, ये देखो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रही है। ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, अभी यहाँ जो है ना वो सेठी भाई है, और इसने भी ब्लड जो है ना वो डोनेट किया। देखो हमारा टारगेट गलत नहीं निकलता है। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई? भाई इसमें तो ज्यादा विलाग इस निकल गया भाई के पास। वहाँ पे हमें जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हिल के लिए अप्लाई किया था उसको आजकल पहले सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सिटी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हम एक प्यारा सा विलाग स्टार्ट। अभी हम घर से निकल आए, अभी हमें जाना है सबसे पहले शोपियां, क्योंकि वहाँ पे ब्लड डोनेट का ग्रुप आया है, ब्लड कैंप लगा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां में। मैंने स्टोरी भी डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोच रहा था मैं भी जाऊँ, मैं भी थोड़ा ब्लड डोनेट करके आऊँगा। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के पता चलेगा। फिलहाल हम पहुँचते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां, और उसके बाद हमें जाना है अनंतनाग भी, किस काम के लिए जाना है। ठीक है वाजिद भाई, इसको आप पहचानो। पहले वाजिद भाई को मुबारकबाद है, क्योंकि वाजिद भाई ने शादी किया, इसको आप सब भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, क्योंकि आप इसको जानते होगे, ये मतलब पहले अपनी गाड़ी के साथ चलता था। फिर हमने फिलहाल गाड़ी को वापस स्टेशन ले लिया, क्योंकि मैंने एक गाड़ी देखी, मुझे लग रहा है ये शुभम भाई है, जो कि शुभम आसाम का है, नहीं आसाम का नहीं रायपुर का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गाड़ी है, इसलिए मैंने वाजिद भाई को बोला आप गाड़ी मोड़ो, हम इसको थोड़ा पीछा करते देखते वही है, तो थोड़ा मिल के जाएंगे। ये गाड़ी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये शुभम भाई की गाड़ी है। हम देखते हैं कौन है, नहीं है शायद। गाड़ी तो हमने फिलहाल रोक ली, बट पता नहीं कौन है। देखो हमारा टारगेट गलत नहीं निकलता है। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई? भाई जी इसमें तो ज्यादा विलाग इस निकल गया। सुबह हमने गाड़ी मोड़ा उधर से, शुभम भाई किधर है? घर में दूसरा है। शुभम भाई नहीं है, लालू भाई। शुभम भाई की रानी थी। चलो इंशाल्लाह जल्दी तैयार होने वाली है फिर से, शायद एक बार गाड़ी गिरी थी, मैंने स्टोरी रील वगैरह देखी थी शुभम भाई की। इंशाल्लाह भाई जल्दी से ये गाड़ी तैयार होके आएगी फिर से रोड पे। फिलहाल भाई की गाड़ी साइड करते हैं, इनको हमारे इधर गाँव में ही अपना गाड़ी खाली करना है। तो आप कितने बंदे? 1, 2, 3, 4, 5, एक उधर है, एक अंदर ही है सोया हुआ। इतनी लंबी गाड़ी है, इतना जगह है इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा है। ओह ओह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां, ये रहा उसका गेट। अभी हम अंदर ही गाड़ी लेके चलते, ठीक है? ये आप देख सकते हो, अभी यहाँ जो है ना वो सेठी भाई है, और इसने भी ब्लड जो है ना वो डोनेट किया। तो यहाँ देख लो, यूथ ऑफ कश्मीर डोनर्स, ये जो है ना ये ब्लड डोनेशन कैंप, इनका ही ब्लड डोनेशन कैंप है यहाँ। तो अभी दिया है इन्होंने। सेठी भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आपने पहली बार डोनेट किया है तो अच्छा फील होता है ना? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आपको मालूम नहीं है? ए पॉजिटिव। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और खासकर ये जो यूथ ऑफ कश्मीर ब्लड डोनर्स, इन्होंने यहाँ कैंप जो है ना वो सेट किया है, तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हो, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर किसी को भी कहीं भी मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप ज़रूरत होते तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करना, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या क्या है? प्लेटलेट्स, सब कुछ, बहुत पूरे कश्मीर में, पूरे कश्मीर में आओ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे इनके मुतालिक? सेठी भाई ने करे, मैंने इसको 2-3 बार फोन भी किया, इसने स्टोरी भी डाली पीजीआई में, इसने आपने स्टोरी डाली, फोन पीजीआई में चंडीगढ़। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है नेशन या भाई फाइनेंशियली, क्या क्योंकि इनको इक्विपमेंट्स भी ज़रूरत पड़ते हैं, जैसी व्हीकल ज़रूरत पड़ते हैं, तो अगर हम इनकी हेल्प करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना सेठ भाई? अभी हम ब्लड डोनेट करके आ गए, अभी हम चल रहे फिलहाल बिजबिहारा की तरफ, हमें जाना है वो ATC, वहाँ पे थोड़ा हमें काम है वाजिद भाई को, तो अभी हम उसी साइड की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो। बट मेरा बाजू ना बहुत
टाइट हो गया, इससे कपड़े नीचे नहीं उतर रहे। अब मैं सोच रहा हूँ इसको हम खोल देंगे, क्योंकि कम से कम 10-20 मिनट हो गए, अब कोई टेंशन नहीं, अब इसको हम खोल देंगे अच्छे से। सोम स्टैंड यहाँ पे, अब अंदर लेके चलते हैं आपको। अपना एक भाई है उसके पास पहले जाना है, उसके बाद हम जाते हैं आगे, और पहले यहाँ पे खाना खाएंगे। मैं बासन बगोस कमजोर या पर नहीं, और दुछुनो दुछुन तो थाप हो थाप। एजे मोटर्स, चल सीधा एजे मोटर्स, इधर हाँ हॉर्न मार मार हॉर्न। एक शॉप पे एजे मोटर्स बिजबारा, ये देखो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रही है। ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। वालेकुम सलाम, ठीक हो? अच्छे से? बढ़िया भाई जान, बहुत मिस कर रहा था भाई को। मैंने सोचा इधर से थोड़ा घूम के आएंगे, और वाजिद भाई को कुछ मत लगाना होगा अपनी गाड़ी को। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, फुल मॉडिफिकेशन होती है छोटी गाड़ियों को। अपना कार्ड वगैरह है या कॉन्टेक्ट अगर किसी को आना होगा? बोर्ड पे लगा है। हाँ चलो मैं आपको बोर्ड फिर से, ये किसका कॉन्टेक्ट है? मेरा ही है। तो इस कॉन्टेक्ट पे आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑल टाइप की एसेसरीज अवेलेबल है। बिल्कुल अच्छी मॉडिफिकेशन हो रही है। अब मैं भी सोच रहा था कभी अपनी छोटी गाड़ी यहाँ पे लाएंगे, कुछ माड़ा मोटा चीजें लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना खाना भी हो गया, तो अभी हमें जाना है ATC के पास, नफीस भाई के पास। वहाँ पे हमें जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हिल के लिए अप्लाई किया था, उसको आजकल पहले सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, उसी के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। अभी देखते हैं वो वहीं पे होगा, फिर वो काम भी करके आएंगे, उसके बाद सीधा अपने घर की तरफ। ये रहा भाई अनंतनाग ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये देखो अपना सारा काम हो गया यहाँ से, तो अब बस हम चलते हैं वापस अपनी घर की तरफ। ये रहा वाजिद भाई, खुश हो गया ना आप? जल्दी में मिल गया भाई, हमने अपना सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया। अगर आप में भी से किसी को मतलब हिल लासन अप्लाई करता है, उसके लिए पहले सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे वो आपको मिल सकती है। और यहाँ पे ये दो गाड़ियाँ सेल है बेचने के लिए, ये गाड़ियाँ यहाँ पे बेचते हैं। अगर आपको इनमें से कोई गाड़ी पसंद है, तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट करके गाड़ी ले सकते हो इनकी। बस हम यहाँ से निकलने वाले थे, मैंने आपको बोला ये जो आपको पीछे दोनों गाड़ियाँ नजर आ रही है, ये यहाँ पे मतलब सेल परचेज कर रहे हैं। अगर किसी को नई गाड़ी भी लेनी होगी, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपको हर टाइप का गाड़ी मिल जाएगा, लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, गाड़ी ले सकती हो। तो चलो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। अब बस हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको हमारा ये व्लॉग वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, लव फैमिली, बाय बाय।